नमस्कार, मैं राजेंद्र साळोखे। इसके पहले पोजिशनल चेस पे मैंने वीडियो किया जिसमें जो प्रतिस्पर्धी का वीकनेस ढूंढ के उसके ऊपर हमला करने की एक टैक्टिक बताई थी जो यूट्यूब के ऊपर है। तो वीकनेस जनरली पॉन का होता है और वीक पॉन वो होता है जिसे दूसरे किसी पॉन का सपोर्ट नहीं। जनरली बैकवर्ड पॉन वीक रहते हैं और अगर ऐसे दो वीकनेस अगर निर्माण होते हैं प्रतिस्पर्धी के समझो पोजीशन में और अगर हम ये दो वीकनेस पे अटैक करते हैं तो प्रतिस्पर्धी को उसको संभालना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए ये एक प्रिंसिपल चेस में बना है कि प्रिंसिपल ऑफ टू वीकनेसेस कि दो वीकनेस को संभालना बहुत मुश्किल होता है। थोड़ा सा कठिन विषय है, एडवांस टॉपिक है, तो देखिए मैं कैसे आपको समझा सकता हूँ। देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ टू वीकनेसेस। वीकनेस शब्द का प्रयोग जनरली पान के लिए किया जाता है लेकिन मोरों का भी कभी वीकनेस रहता है। और ये जो वीक पॉन्स रहते हैं, वीक पॉन वो पॉन होता है जिसको दूसरा कोई पॉन सपोर्ट नहीं करता है। मोरा सपोर्ट करने से कोई मतलब नहीं क्योंकि मोरा बाद में हिल जाता है जगह से। तो एक वीकनेस के ऊपर मैंने वीडियो पहले बनाई है और ये जो मेरी बाकी सारी वीडियो है वो यूट्यूब के ऊपर है और धीरे धीरे मैं ये भास्कर चैनल पे शिफ्ट कर रहा हूँ। उसमें देर लगेगी, करीबन 150 वीडियो हिंदी में मेरी यूट्यूब के ऊपर है। तो यहाँ पे ब्लैक का जो पोजीशन है इसमें ये C6 पॉन और ये G6 पॉन, ये दोनों ब्लैक के वीक है। सफेद के भी ये दो वीक पॉन है लेकिन सफेद पे अटैक करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि बिशप जो इसके पास है वो सफेद स्क्वायर पे है और ब्लैक के ऊपर अटैक करना सफेद का आसान है क्योंकि इसका बिशप व्हाइट स्क्वायर के ऊपर है। तो ये दो वीकनेस है इसके ऊपर वो अटैक करने की कोशिश करता है। कैसे करता है देखिए, यहाँ पे बिशप F3 लिया, बिशप D7, ये पॉन को सपोर्ट किया, नहीं तो ये पॉन मर जाता है। बिशप टू E4, बिशप टू E8, अभी ये दोनों पॉन को C6 पॉन को और G6 पॉन को प्रोटेक्ट करता है। इसको ओवरलोडेड पीस बोलते हैं कि एक से ज्यादा मोरों को जो प्रोटेक्ट करता है उसको ओवरलोडेड बोलते हैं। तो दोनों को प्रोटेक्ट करना भी मुश्किल होता है, ऐसा प्रोटेक्शन अच्छा नहीं रहता है। तो इसने लिया बिशप G2 के ऊपर, फिर बिशप D7 पे लेके इसने, इसको कोई दूसरा चारा नहीं है एक्चुअली। किंग वो बाजू हटाता है तो ये किंग ऊपर आके वो बिशप को ही थ्रेट देता है। तो बिशप F3 इसने खेला, वो वेटिंग मूव हो गई। इसने बिशप E8 फिर से खेला, बिशप E4 खेल के इसने दोनों पॉन के ऊपर अभी अटैक करके रखा है और ये बिशप है वो दोनों पॉन को सपोर्ट कर रहा है। अभी इसको ब्लैक को कोई चारा ही नहीं रहा क्योंकि अगर वो बिशप को हिलाता है कहीं भी तो एक पॉन मर जाता है, तो इसलिए उसने किंग को हिलाया B7 के ऊपर। तो ये किंग D6 के ऊपर आ गया और नेक्स्ट ये जाएगा E7 के ऊपर और बिशप को थ्रेट देगा। किंग B6 पे गए, किंग E7 पे जाके बिशप को थ्रेट दिया। अगर बिशप अभी D7 पे आता है तो ये पॉन मारा जाता है G6 का, और बिशप अगर F6 पे आता है, बिशप F6 से आता है तो बिशप ही मारा जाता है, हाँ तो आ नहीं सकता है, तो ये पॉन तो चला गया। तो इस तरीके से
दो वीकनेस के ऊपर इसने अटैक किया व्हाइट ने, ये पोजीशन अपनी थी। यहाँ से हमने किंग लिया बी सेवन के ऊपर, अगर किंग डी सेवन पे भी जाता है तो सीधा बिशप क्रॉस सी सिक्स ये मर जाता है, और यहाँ से किंग अगर डी बिशप डी सेवन पे जाता है तो ये पॉन मर जाता है। तो इस तरीके से ये पॉन जाता है, और फिर दूसरा जो पॉन है एच फाइव वो भी मारा जाएगा, और ये सफेद के जो दो पॉन है इनको ये दो फाइल क्लियर मिल गई मूव करने के लिए, और उनकी वजीर होने की संभावना बहुत है। अभी दूसरा एक गेम देखते हैं, प्लेयर्स के नाम है, बड़ा लंबा गेम है, लेकिन हम लोग 40th मूव की जो पोजीशन है यहाँ से चालू करते हैं। हाँ, ये नाइट ई फाइव पे सफेद ने लिया है, पोजीशन ज़रा देखना। इसके बाद इसने नाइट क्रॉस ई फाइव खेला। अभी इसमें देखिए ब्लैक के कौन से वीक पॉन है, ये एक पॉन है सी सिक्स, और ये दोनों भी है एफ सेवन और एच सेवन, लेकिन अभी फिलहाल किंग ने उसको प्रोटेक्ट किया है। और सफेद के बोलो तो ये भी सफेद के भी दो ये नीचे के पॉन वीक है एफ टू और एच टू। तो अभी ब्लैक सफेद ये कोशिश करता है कि वीक पॉन के ऊपर अटैक किया जाए, ए नाइट क्रॉस ई फाइव, बिशप डी सिक्स, नाइट डी थ्री, किंग एफ सिक्स, मतलब जितनी हो सके कोशिश करते हैं। अभी ये पूरा वीक हो गया है पॉन, इसको किसी का भी सपोर्ट नहीं एच सेवन को। तो जी फोर किंग भी ये आगे आगे लेते जाते हैं, किंग जी टू, रुक बी सेवन, रुक ई एच चेक, रुक ई सेवन, रुक एच एट, ये पॉन के ऊपर इसने अटैक किया। एफ सिक्स ए पॉन ऊपर अटैक है, उसने सपोर्ट दिया रुक का। एच फोर मतलब वीक पॉन को सपोर्ट देना, वीक पॉन के ऊपर अटैक करना, इसने इसमें खेले बहुत सारा ये हो जाता है। किंग एफ थ्री, रुक एफ सेवन, रुक ई एट चेक, रुक ई सेवन, रुक डी एट, रुक ए सेवन, नाइट टू सी फाइव, किंग ई सेवन, रुक सी एट, ये अभी ये वीक पॉन के ऊपर रुक ने अटैक किया। वो अपॉर्चुनिटी देखता है कि कैसे वीक पॉन के ऊपर किया जाए। डी क्रॉस सी फाइव, किंग टू डी सेवन, रुक एच एट, किंग ई सिक्स, रुक डी एट, डी एट मतलब ये यहाँ पे जाना चाहता है डी सिक्स, और इसको पॉन के ऊपर अटैक करना चाहता है। किंग ई सेवन, रुक डी सिक्स, इसने वीक पॉन सी सिक्स के ऊपर अटैक किया। रुक ए सिक्स इसने सपोर्ट किया। जी फाइव, एफ क्रॉस जी फाइव, अभी फिलहाल ये पॉन भी वीक हो गया है। एच क्रॉस जी फाइव, किंग एफ सेवन, किंग जी थ्री, किंग ई सेवन, एफ थ्री, रुक ए थ्री, ये ब्लैक ने भी सफेद के वीक पॉन के ऊपर अटैक किया है। किंग एफ फोर, रुक ए फोर, किंग ई फाइव, रुक ए थ्री, रुक क्रॉस सी सिक्स, रुक क्रॉस ई थ्री, ये भी वीक है और ये इसके ऊपर भी अटैक है। किंग क्रॉस डी फाइव, रुक टू डी थ्री चेक, किंग ई फोर, रुक सी थ्री, एफ फोर, रुक सी वन, रुक सी सेवन चेक, किंग टू डी एट, रुक क्रॉस एच सेवन, ये भी इसको भी मार दिया इसने। और फिर ब्लैक ने रिजाइन ही कर दिया क्योंकि व्हाइट की पोजीशन यहाँ पे अच्छी बनी है। तो इस तरीके से जहाँ पे वीक पॉन दिखते हैं वहाँ पे अटैक किया जाता है, और इसे प्रिंसिपल ऑफ टू वीकनेसेस ऐसा कहते हैं। थोड़ा डिफिकल्ट कंसेप्ट है, एडवांस कंसेप्ट है,
तो देखने के लिए धन्यवाद, कृपया देखते रहना।